एक टिपिकल बॉलीवुड एक्शन मूवी में क्या क्या चीजें होती हैं? चार पांच गाने, इंटरवल से पहले दो एक्शन सेट पीस, इंटरवल के बाद में दो एक्शन सेट पीस, इन सब के बीच में भर भर के लव स्टोरी, और अगर उससे भी पेट नहीं भरता तो फिर फ्लैशबैक में ले जाके एक और लव स्टोरी। बट मैं अभी अभी देखकर आ रहा हूँ किल मूवी, और हम में से जितने भी ये लोग मानते आए हैं कि यार बॉलीवुड में जॉन विक जैसा कुछ नहीं बन सकता, तो ये मूवी उन लोगों के ऊपर एक करारा जवाब है। मतलब मुझे नहीं पता कि यार इतना ज्यादा एड्रेनलिन वाला रश जो है वो मैंने कब फील किया था जितना मैं आज करके आ रहा हूँ। तो इस मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दो एनएसजी कमांडोज जो है वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं और उसी ट्रेन को लूटने के लिए आ जाते हैं 35-40 डकैत। मूवी को अपना बेसिक सा प्लॉट लाइन सेट करने में 10 मिनट का टाइम लगता है, और इसके बाद जो मार धाड़ और खून खराबा शुरू हुआ है वो मूवी के एंड लास्ट मिनट पे जाके ही खत्म होता है। और यहाँ पर मैं बहुत सारी तारीफ करना चाहूंगा एक्शन कोरियोग्राफी की, क्योंकि ट्रेन में हम लोग जो सुसु करने के लिए जिस कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं ये पूरी मूवी एग्जैक्टली वहीं पर शूट हुई है, और थोड़ा सा दरवाजे के आसपास भी। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट टेक्निक्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक्स, ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई हैं। इसके अलावा मुझे जो चीज इस मूवी में पसंद आई वो है कि हीरो भी बराबर पिटा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि अगर हीरो किसी एक को मार रहा है तो पीछे के जो 100 लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि भैया पहले उसको निपटा दे फिर भैया हम लोगों को आके निपटा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ इस मूवी में। मतलब हीरो को दोनों तरफ से घिरा हुआ है और फिर हीरो ने जम के मारा है और फिर जम के मार भी खाई है। फिर इस पूरी मूवी में सिर्फ दो जगह पर गन्स यूज हुई हैं, बाकी पूरी मूवी में इन लोगों ने यूज किए हैं चाकू एज देयर मेन वेपन, वो भी अलग अलग साइजेस में। और फिर इसके अलावा लोगों को जो जो चीजें मिल रही हैं लोग उसी से मार रहे हैं, जैसे बैग्स हो गए, टिफिन बॉक्सेस हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, और भी बहुत सारी चीजें। इसके बाद इस मूवी में जो मुझे अच्छा लगा वो है कि इन लोगों ने प्रॉपर खून खराबे वाले सीन्स को टाइम लेकर दिखाया गया है। जैसे दूसरी मूवीज में होता है ना कि अगर हीरो किसी एक का सर फोड़ रहा है तो ये लोग कैमरा एंगल सिर्फ हीरो के ऊपर फोकस रखते हैं। ये लोग ये चीज कभी नहीं दिखाएंगे कि सर कुचला तो वो फ्लैट हुआ, उसके अंदर से पूरा भेजा जो है वो बाहर आया, इतना कुछ नहीं दिखाते ये लोग। बट ये मूवी ऐसे सीन से भरी पड़ी है, तुम जितना इमेजिन कर सकते हो उससे दो कदम आगे निकलती है ये मूवी। हर दो मिनट में एक नए टाइप की मौत है, और ये चीज आगे जाके इतनी ज्यादा लेवल पे हो जाती है कि तुम लोगों को डाकुओं के लिए तरस आएगा। तुम लोगों को डाकुओं को देख के सही में फीलिंग आएगी कि भाई आगे मत जाओ, निकल लो टाइम रहते हुए। और वहां पर हीरो अपने हाल में जख्मी है, उसको 7-8 बार चाकू ऑलरेडी अलग अलग जगहों पे लग चुका है, बट फिर भी तुमको सिंपैथी फील होगी डाकुओं के लिए। इसके बाद इस मूवी में जो डाकू लोग दिखाया गया ना, एब्सोल्युटली रूथलेस। किसी भी बच्चे, बूढ़े और औरत में कोई फर्क नहीं, जो जिसको मिला उसके सर पे चाकू, आंख में चाकू, पेट चीर देना। मतलब ये चीज देख के तुम लोगों को भी मजा आएगा कि यार इस मूवी में जितने भी ये डाकू लोग हैं, विलन्स जो हैं, ये हीरो की टक्कर के हैं, और 2-3 पॉइंट्स में तो ये हीरो के भी छक्के छुड़ा देते हैं। इसके बाद एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में हीरो से ज्यादा तारीफ मैं इस बार विलन की करना चाहूंगा, जो कि इस मूवी में है राघव जुयल। ही डिड अ ट्रेमेंडियस जॉब। मतलब तुम्हें भी एक विलन को देख के डीप डाउन एक फीलिंग आती होगी ना कि यार इसको आसान मौत नहीं देनी है, इसको तड़पा तड़पा कर मारना है। वो एग्जैक्टली यही विलन है, और ये चीज जब तुम मूवी देखोगे तभी समझ पाओगे। बाकी एज अ फर्स्ट टाइम हीरो फॉर अ डेब्यूटेंट, लक्ष्य ललवानी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। इनके डायलॉग्स कम थे और इनका पूरा फोकस एक्शन पर ही था, और इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। और एनएसजी कमांडो के रोल में ये एक्चुअली फिट बैठते हैं। मैंने हमेशा ये वाली लाइन सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए रिपीट किया, बट फॉर दिस टाइम ही किल्स इट एब्सोल्युटली। तानिया मनिकतला, अगेन शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। इस मूवी में उनका रोल कम था बट जितना भी उन्होंने किया दैट वॉज वेरी। वैसे लायंस गेट प्ले ने इस मूवी के राइट्स खरीद लिए हैं फॉर यूएस एंड यूके, और वो लोग इस मूवी का एक रीमेक बनाना चाहते हैं हॉलीवुड में। और मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूँ ये चीज सुनके, क्योंकि ये मूवी डिजर्व करती है। एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन क्वालिटी, ये सारी चीजें साथ आके इस मूवी को एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। तो फाइनली बात आती है कि ये मूवी किसको देखने जाना चाहिए और किसको नहीं देखने जाना चाहिए। अगर आप लोगों को खून खराबा बिल्कुल नहीं पसंद तो सोचना भी मत इस मूवी को देखने के बारे में, कोशिश भी मत करना। और अगर आप उनमें से हो जिनको स्टोरी ड्रिवन मूवीज बहुत पसंद है तो सॉरी, ये मूवी आप लोगों के लिए भी नहीं है, क्योंकि मूवी की स्टोरी उतनी ही थी जितनी मैंने आपको समझाई। उसके अलावा ये मूवी सिर्फ एक्शन टू एक्शन जंप करती है। बट मेरे हिसाब से आपको इस मूवी को देखने जरूर जाना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, और सपोर्ट करना चाहिए इस मूवी को, क्योंकि दिस फिल्म प्रूव्स कि कम बजट में भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। और लिखवा लो मुझसे कि आने वाले टाइम में जितने भी बॉलीवुड एक्शन मूवीज आने वाली है उन सबका कंपैरिजन इसी मूवी से होगा। और पेरेंटल गाइडलाइंस में तो मैं क्या कहूँ, ऑलरेडी ये ए रेटेड मूवी है तो बच्चों के साथ तो बिल्कुल मत देखने जाना। और ये था मेरा रिव्यू किल मूवी का। ये रिव्यू हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।